सरकार की मंशा के अनुसार कोरोना वायरस को लेकर मैनपुरी के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रेस वार्ता की। मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर ने बताया कि इस समय विदेश के अलावा देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण बीमारी से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो 1 मीटर दूर से बात करें, क्योंकि यह संक्रमण वायरस छींकने से और छूने से फैलता है। इसके लिए बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा हाथ को डिटर्जेंट से 1 मिनट तक धोएं। खुले में शौच ना करें। घर में लिक्विड द्वारा पोछा लगाएं। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र सावधानी बरतने की जरूरत है। जनपद में इस बीमारी से लड़ने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। उन्होंने यह आदेश दिया है कि स्कूल, सिनेमाघर, जनता दरबार आदि स्थानों पर जहां भीड़ होने की आशंका होती है, वहां 2 अप्रैल तक बंद किए गए हैं, जिससे यह बीमारी ना फैल सके। उन्होंने मीडिया को अवगत कराते हुए बताया कि अब किसी गांव का कोई भी व्यक्ति विदेश या बड़े शहरों से घर पर आया है तो उनसे कहें कि 24 दिन तक अपने घर में ही प्रतिबंधित रहें, और इस संबंध में जिला चिकित्सालय को, जिला अधिकारी को भी अवगत कराएं कि फलाना व्यक्ति अपने घर आया हुआ है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। पहली चीज तो यही है कि सावधानी बरतनी है। सावधानी 2 रूप से है। पहला कि जो भी, जब भी कहीं आप किसी से मिल रहे हैं, मिनिमम 1 मीटर की दूरी मेंटेन करें, क्योंकि ये जो वायरस है, ये वायरस अधिकतम 1 मीटर दूरी तक जा सकता है, यानी छींकने से फैलता है, ड्रॉपलेट से ही फैलता है इसके। तो बचें ऐसे लोगों से, भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं। दूसरा है, जब भी कोई चीज़ आप संपर्क में आप टच कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, टेबल है, तो आप हाथ को धुलें, अच्छे से धुलें। हाथ धुले बिना किसी भी दशा में आँख, नाक, मुंह ना टच करें, क्योंकि मुख्यतः ये तो सीधे संपर्क में आने से होगा या हाथ से नाक, मुंह, आँख टच करने से होगा। तो हाथ, नाक से, जब भी नाक, मुंह, आँख छुएं, उससे पहले साबुन से हाथ अवश्य धोएं। घर में क्लीनिंग कराएं, पोछा लगवाएं। आप फिनाइल यूज़ करें, कोई भी चीज़ यूज़ करें, घर में पोछा लगवाएं। जहाँ भी ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ सार्वजनिक जगह है, वहाँ पे कुछ भी टच करने से बचें, और यदि टच भी कर रहे हैं तो उसके बाद अपने हाथ अवश्य धुलें। हाथ धुलते रहें। हाथ धुलना सर्वाधिक सबसे अच्छा इसका उपाय है। कैसे प्रबंध किए गए हैं इनके बचाव के लिए? जनपद में इसके लिए सभी हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से लोगों से आग्रह कर रहे हैं। हमारे जनपद में अभी तक कोरोना कोई भी मरीज नहीं है, पूरी तरह सुरक्षित हैं, और जो भी लोग इससे भयभीत हैं उनसे भी यही आग्रह, भयभीत ना हो, सुरक्षा बरतें। शहर में जो भी जिला अस्पताल है, बाकी जगह हैं, सारी व्यवस्थाएं करके रखी गई। सर, अगर आपके कार्यालय की बात करें तो जो पीड़ित लोग आते हैं उसमें क्या परिवर्तन किया गया और क्या सुझाव दिए गए हैं? सरकार की ओर से आदेश हुआ है आज कि 2 अप्रैल तक जनता दर्शन बंद कर दिया जाए, समाधान दिवस, तहसील दिवस न किए जाएं। जिन भी फरियादियों को कोई फरियाद करनी है तो समाधान पोर्टल से, IGRS के माध्यम से, 106 के माध्यम से, 112 के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। वहीं आपके न्यायालय में अगर कोई बाधिकारी आता, उसमें कोई छूट दी गई है, उसके संबंध में गाइडलाइन जारी की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.